गुड मॉर्निंग, न्यू डे फ्रॉम गुदागसेन। और ये देखिए व्यू हमारे रूम से। कल रात को बहुत ठंड हो गई थी, बारिश हो गई थी, तो कम से कम 8-7 डिग्री ऐसे हुआ था। We just keep it down, down inside. Yeah, you and I, both longing for expression for the things we like, but we stay quiet. तो अभी चाय मंगाया है, चाय पियेंगे, नहाएंगे, धोएंगे, ब्रेकफास्ट करेंगे और निकलते हैं यहाँ से। वाह, गर्मा गर्म चाय, हम मैडम पिक्सी धूप सेकती हुई। ये इतनी जमाई आ रही है मैडम। किसको भूख रही पिक्सी? कौन था बाहर? कौन है? तो कल इसी में मछली पकड़ी थी हम लोगों ने, ट्राउट फिश। एंड अभी जा रहे हैं जो इनका फार्म है उसमें भी फिशेज है बहुत सारी ट्राउट वाली, तो वो दिखाते हैं आपको। सो ये देखिए यहाँ पर कितनी सारी ट्राउट फिश हैं। जंप मार रही हैं, इनको खाना मिलने वाला है, बहुत सारी हैं। ये प्रॉपर्टी के ओनर हैं जिन्होंने फार्मिंग कर रखी है। सर, ये फिश आप लोग बेचते हैं, क्या करते हैं? सर, इसके बच्चे बना रहे हैं। क्या करते हैं? बच्चे तैयार करने हैं आगे। ओ अच्छा, बच्चे तैयार करने हैं। फूल गोभी, मटर, आलू, ये सब ज्यादा? मटर, बंद गोभी। अच्छा, सब्जियां ज्यादा होती हैं यहाँ पर। अनाज जो है उसमें गेहूं चावल में जो होती है इधर। अच्छा, हाँ बढ़िया। बाकी सेब होता है इधर? हाँ सेब तो बहुत हमने देखे, फूल अभी आए हुए हैं। चलो आपको पीछे दिखाएंगे, पीछे घूमो आप। शटादार बहुत बड़े किले हैं दिखने के लायक। एक मंदिर आता है, ऐसी मंदिर है शटीनाग का। अच्छा, काफी जबरदस्त मंदिर है। अच्छा चलिए, अब आएंगे वापस, अभी तो जा रहे मनाली, फिर आएंगे। तो ये आपकी प्रॉपर्टी है पूरी? चलिए ठीक है, नमस्ते, बढ़िया। ट्राउट थी बहुत सारी, फार्मिंग कर रखा था उन्होंने। अरे वाह, ब्रेड ऑमलेट और पराठा इस व्यू के साथ। पिक्सी, डोंट शाउट। No. No. You and I, we never show emotions. शिवा वैली रिवर साइड होम स्टे। तो यहाँ पर अगर लोग आना चाहें तो क्या रूम रेट रहता है? सर डबल का, डबल शेयरिंग का 1200 रहता है। हाँ। और ट्रिपल का 1500 रहता है। अच्छा, और इसमें ब्रेकफास्ट और डिनर अलग से रहता है? अलग से रहता है सर, वो चार्जेबल बेसिस पे। अगर MAP में लेना चाहें तो उसका प्राइस अलग होता होगा। 1800 जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर एक्टिविटी क्या क्या कराते हैं? एक्टिविटी सर, हम फिशिंग कराते हैं, ट्रैकिंग कराते हैं, हम क्लाइंबिंग भी करवा देते हैं। अच्छा, साथ में स्कीइंग हो जाता है जब विंटर के मौसम पे। हाँ, यहाँ तो बर्फ भी गिरती है। बिल्कुल सर, 5-5 feet, 5-6 feet। यहाँ पे पीस है, पीसफुल है, और रूम भी अच्छे हैं इधर। और सामने वो फॉरेस्ट एरिया है। बिल्कुल सर। रात को क्या क्या आता है? रात को सारी तरह से आपको स्नो लेपर्ड देखने को मिल सकता है, बियर व्यूअर तो नहीं मिलेगा, हाइट में मिलेंगे। हाँ। बाकी कुछ हमें स्टेट बर्ड भी मिल जाते हैं इधर देखने के लिए कई बार। अच्छा अच्छा जी, चलिए ओके। क्या नाम आपका? मेरा नाम अभी है सर। अभी तो आप ओनर के साथ ही यहाँ पर काम करते हैं, ठीक है। और ये आप यहाँ पर? जी, मैं भी यहाँ पे। क्या नाम है? मेरा हनी है। हनी है, तो आप यहाँ पे हेल्प करते हैं। और ये हमारे शेफ है देवेंद्र ठाकुर, मैं यहाँ मतलब कुकिंग करता हूँ शिवा वैली रिवर साइड होम स्टे में। आपका स्पेशलिटी क्या है? ये बारबेक्यू बहुत बढ़िया बनाते हैं, हमने तो 2 दिन बारबेक्यू खाया। सर ये देखा होगा आपने, आप रुके तो इसके बारे में अब आप ही कुछ। नहीं, इनका इनका खाना अच्छा था, बारबेक्यू और भी अच्छा था। थैंक यू। सो चलिए ओके, थैंक यू फॉर द हॉस्पिटैलिटी, बाय बाय। हाँ, सो गाड़ी स्टार्ट कर ली है, गर्म हो रही है, थोड़ा सा ठंड है बाहर।
और बस अब निकल रहे हैं यहाँ से। तो ये शिवा वैली है जो जीभी से 20 किलोमीटर नीचे है, और जैसे मैंने पहले वाले वीडियो में बताया कि आपका ऑफ रोड से आ सकते हो, वरना आप जीभी साइड से भी आ सकते हो। और यहाँ पर तुगासी धार है जो फॉरेस्ट एरिया है, जहाँ पर हमने लेपर्ड देखा था, और ऊपर हम लोग माउंटेन ट्रैकिंग पे गए थे, पूरा गाड़ी जाती है ऊपर तक, तो वहाँ भी कल गए थे, आपने देखा होगा। इट्स अ वेरी गुड मतलब हिडन वैली कहेंगे यहाँ पर। सो मतलब बहुत ही कम लोग आते हैं, तो आप यहाँ आइए, आपको मज़ा मिलेगा। और इसका खाना बढ़िया, बारबेक्यू और सब चिकन, जो जो आपको खाना मस्त मज़ा है। तो मेरे को तो पसंद आया यहाँ पर 2 दिन का स्टे, पल्लवी को भी पसंद आया और ट्राउट खाने को मिला उसको। तो चलिए जर्नी स्टार्ट करते हैं फ्रॉम गुदागसेन टू मनाली, 125 किलोमीटर हमारे होम स्टे तक, एंड अराउंड 4 आवर्स लगेगा। सो हम लोग को ज़्यादा ही लगेगा क्योंकि हम लोग घूमते घामते जाएंगे ऑफकोर्स। तो चलिए जर्नी स्टार्ट करते, टाइम हो रहा है 10:50। ये रास्ता भी देखिए पूरा डिफरेंट है, और यहाँ पे स्नो गिरा है। वाह, ये रास्ता अभी हम लोग को जी भी कनेक्ट करेगा। वाह, क्या सुंदर व्यू है, पूरा स्नो कैप माउंटेन दिख रहा है। ये व्यू देखिए कितना सुंदर व्यू है, पूरा दूर दूर में स्नो कैप माउंटेन दिख रहा है, बहुत ही गजब है। ये देखिए, वाओ, पूरा वैली व्यू दिख रहा है, इस तरफ भी है। पश्मीना है? कितने ऊंचे ऊंचे देखो पेड़, रात को आने के लिए डर लगेगा यहाँ पे। अरे 10 किलोमीटर जी भी। ये देखिए व्यू कितना सुंदर लग रहा है, पूरा स्नो से कवर्ड है माउंटेन। सो ऑलमोस्ट नीचे उतर आए हैं अभी जीवी, और 1.5 किलोमीटर में है। वो जो नीचे रोड देख रहे हैं वो NH 305 है, तो वहाँ पे कनेक्ट करेंगे हम लोग। नीचे देखिए कितने सारे होम स्टेज, होटल, ये सब होम स्टे और होटल्स हैं जीवी में, खूब सारे आपको रहने का ऑप्शंस मिल जाएंगे। तो आगे अभी हम लोग कनेक्ट करने जा रहे हैं NH 305, जो हमको आउट तक लेके जाएगा और उसके बाद मनाली। ये देखिए हॉस्टल, कितने सारे हॉस्टल होम स्टेज रहने का है। इतनी गाड़ियां जीभी में, पूरा टैक्सी, फिर दिल्ली की गाड़ियां, नोएडा की गाड़ियां, पूरा सब वीकेंड मनाने जैसे सब आ रहे हैं। गुजरात से भी आई हुई हैं। मैंने उड़ीसा का भी गाड़ी देखा, लॉन्ग वीकेंड। वही तो वो सही बोल रहा था कि एक दिन आप यहीं स्टे कर लो, वहां पर अगर जीवी में जाके ढूंढोगे या तीर्थन में या फिर गुशान करके है ना, कौन सा जगह था, बंजर, जीवी और शोजा है ऑप्शन, तो आप रह सकते हो। तो जीवी इज द मोस्ट मतलब कमर्शियलाइज लुक्स लाइक। और इधर देखो गर्मी भी है, उस हिसाब से हम लोग का गुदागसेन अच्छा था, है ना, ठंडा भी था, पीसफुल था, हसल पसल से बिल्कुल दूर। यहाँ पर तो बाप रे बाप, कितनी गाड़ियाँ और
कहाँ कहाँ से आई हुई हैं। इतना मतलब धूल मिट्टी जीभी में और ट्रैफिक जाम अलग, मतलब रास्ता तो छोटा है, वहीं पे लोग वॉकिंग भी कर रहे हैं, कैफेज भी साइड साइड में है, पूरा भीड़। और ट्रैफिक जाम क्यों हो रहा है? क्योंकि सारी पार्किंग रोड पे है। गाड़ी फंसा दी, एक से एक हैं। अरे हम लोग बेवकूफ थे जो किनारे कर लिए हैं, आगे फंसा दिए डबल डबल। पहाड़ों में चलाने के लिए पेशेंस चाहिए। ये सिद्धू है जी। इसके अंदर क्या है? वॉलनट स्टफिंग। स्टफिंग किस चीज का? वॉलनट, अखरोट। अखरोट का मीठा होता है, नमकीन होता है? नमकीन होता है। ये हिमाचल का डिश है, लोकल डिश है। अच्छा, एक कितने का है? 50 पीस। एक दे दीजिए। 12:45 हो रहा है और इतना ट्रैफिक जाम है। तो सिद्धू मिला है जो यहाँ का लोकल फूड है, सो लेट्स ट्राई। अरे बाप रे, ये तो बड़ा भंडोला पीस है। क्या है ये बताओ? ये वही अखरोट का फिलिंग है, इट्स काइंड ऑफ अ मोमो ओनली। तो चटनी के साथ दिया है, वो भी अखरोट की चटनी है। मतलब ब्रेड है, उसके अंदर फिलिंग है। इडली का वो टाइप है कि डिफरेंट इडली से टेस्टी है, फरा टाइप लग रहा है ना। बाहर का चावल आटे में भरा हुआ है। एक खाओ तो पेट भर जाएगा। हाँ। फिर से आके जाम लग गई है, देखिए। उसको धक्का देना पड़ रहा मारुति को पीछे लाने के लिए। नहीं हो रहा होगा बैक। तंग गलिया है, तंग गलिया। मार्केट के बीच से पूरी रोड जाती है। यहाँ भी खूब रहने का ऑप्शन है, होटल, होम स्टे। संजर का ये एरिया बहुत ही खराब है, एक तो पूरा मार्केट एरिया है और रास्ता भी पतला है। दो गाड़ियाँ निकलने में आफत आ जाती है। So, ये है तीर्थन रिवर। ये तीर्थन वैली से आती है, बैक साइड जो गुशानी और एक और प्लेस था उस साइड से। सो आगे जाके आउट में जाके तीनों रिवर मिलती है, उस पे तीर्थन रिवर, सौंज रिवर और ब्यास रिवर। सो सब जाके मिल जाती है एक पॉइंट में और फिर ब्यास होके कंटिन्यू करती है। हमेशा बोलते थे ना कि मनीष कितना फ्रेश रहते हैं, आज देखिए बैटरी डाउन, 2 हफ्ता गाड़ी चलाने में। बैटरी कुछ नहीं डाउन है, वो चेहरा मेरा लाल लग रहा है क्योंकि गर्मी बहुत हो गई, तो मेरा मुंह लाल हो जाता है गर्मी में, तो इस वजह से तुम्हें लग रहा है। बैटरी कौन सी डाउन है? हम नहीं थके हैं, हमको अभी भी लेके चलो और बैंगलोर तुमको हम पहुँचा दें। अभी बढ़िया रास्ता आ गया है, मतलब एटलीस्ट वो बंजर तीर्थन वैली से भी थोड़ी सी चौड़ी है अभी रोड्स, और साइड में जो तीर्थन रिवर फ्लो कर रही है इतना सुंदर लग रहा है, ग्रीन एंड ब्राउन शेड में। रोड पे तुम देख रहे हो ऐसे चुड़ियां बंधी हुई है जगह जगह, पोल में, पेड़ों में, ऐसे मेरे को कई सारे दिखे। क्या है हो मान्यता? तो यहाँ पे एक डैम है, उसका नाम है लर्जी डैम, और ये देखिए क्या सुंदर नजारा है। ये देखिए ये रिवर सौंज और ये तीर्थन रिवर, दोनों का मिलाप यहाँ पे हो रहा है और आगे जाके ब्यास रिवर में मिल जाएगी। वहां पे देखो रिवर का कलर चेंज हो रहा है, मतलब दो रिवर, इस तरफ ग्रीन और उस तरफ से ब्यास रदी थोड़ी सी मटमैला कलर की है। सो यहाँ देखिए ये व्यू पॉइंट है एक, और यहाँ से देखिए कितना सुंदर लग रहा है कॉन्फ्लुएंस।
कितना बढ़िया पानी है यहाँ, तो हम लोग मतलब फिशिंग कर सकते थे अगर अपनी रॉड लाए होते। रॉड तो नहीं लाए, पानी खूब गहरा है और खूब सारा। इसमें तो सबसे ज़्यादा ट्राउट होंगी मोटी मोटी। बहुत गर्मी हो गई, 36 डिग्री सेल्सियस दिखा रहा है। कहाँ हम लोग 1 डिग्री 2 डिग्री में थे। लार्जी हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट। सो यहाँ से स्ट्रेट अगर जाएंगे तो मंडी, जो हमारा चंडीगढ़ दिल्ली वाला हाईवे, और अभी यहाँ से हम लोग लेंगे राइट इनटू द टनल टुवर्ड्स कुल्लू एंड मनाली। सो ये 3 किलोमीटर का टनल है और ट्रैफिक वाला है खूब। धूल मिट्टी देखो अंदर कितना उड़ रहा है, दिख ही नहीं रहा है। लाइट ना जली हो तो अभी बढ़ जाए आदमी। वो देखो वोटिंग कर रहा है, निकलने वाले हैं अभी। यहाँ से अराउंड 40 किलोमीटर है कुल्लू, कुल्लू से अराउंड 30 किलोमीटर में मनाली। सो टोटल डिस्टेंस लेफ्ट इज, हम लोग का गूगल बता रहा है 75 किलोमीटर अप टू आवर होम स्टे। टनल के बाद थोड़ा सा ट्रैफिक जाम वाला एरिया है और उसके बाद एकदम बढ़िया हाईवे मिल जाती है, 4-लेन हाईवे। ये अभी कंस्ट्रक्शन हो रहा है अप टू मंडी तक, तो इसीलिए अगर आप चंडीगढ़ के तरफ अगर जा रहे हैं तो आपको भीड़ भाड़ मिलेगी उस तरफ, और रोड भी खराब है। लेकिन यहाँ पे अप टू कुल्लू ये मस्त हाईवे बन गई है। सो बजौरा से आपको ऐसे सिंगल रोड मिलेगी, अभी डबल लेन का हाईवे बन रहा है साइड में, एयरपोर्ट के साइड साइड में, लेकिन यहाँ पे अभी टाउन के अंदर से जाना पड़ता है। भुंटर एरिया है, भुंटर में एयरपोर्ट है कुल्लू मनाली का। Both longing for expression for the things we like, but we stay quiet. Hold me now, hold me now. नीचे वाला रोड मनाली वाया नागर है और ऊपर वाला मनाली वाया पतली कुल, तो हम लोग नागर वाला जाएंगे क्योंकि इससे नहीं गए थे। ये वाले से तो आ चुके हैं, तो विल टेक बैक और डाउन वाले में जाएंगे। और इस वाले में तुमको हिमालयन ट्राउट फिश फार्म भी मिलेगा नागर वाले में। सो मनाली वाया पतली कोहाल हम लोग आए थे, अब वाया नगर जाएंगे। सो दिस विल बी अ न्यू रोड फॉर अस। किसी सब्सक्राइबर ने कहा भी था नगर में रुकिए, वो एरिया भी अच्छा है। सो बुकिंग इज ऑन, बट विल वेंचर दैट। रिवर राफ्टिंग, कितने सारे देखो लाइन से लगे हैं। अच्छी खासी सड़क छोड़ के हिलते दुलते लेके जाऊंगी, मुझे पूरी गाड़ी तो हिलती डुलती आई है पूरे रास्ते। अभी दरबार इसी में बर्फ गल गई है। वो देखिए स्नो कैप माउंटेन्स, एक हफ्ते पहले बहुत सारी थी, देख रहे हैं कि धीरे धीरे सब कल पिघल गई है। सो अभी नागर पहुंचने वाले हैं और इसी रोड पे हिमालयन ट्राउट फिश फार्म है, वहां पे हम लोग खुद कैच करके और वो लोग बना के देंगे, सर्व करते हैं। गूगल में मैंने देखा रिव्यूज तो बहुत ही अच्छे हैं। सो हम लोग ने लंच किया भी नहीं है और अभी टाइम हो रहा है 3:45। सो विल सी, अगर खुला है देख लेंगे कैसा है, और अगर कुछ कैच कर पाए तो खा भी लेंगे। यहाँ भी सब पूरा दोनों साइड में एप्पल ऑर्चर्ड्स है और लोकेशन बढ़िया है, रोड्स भी बहुत ही सुंदर है। इनिशियली जब स्टार्टिंग में थोड़ी सी खराब थी, लेकिन बढ़िया रोड्स है, पतली है लेकिन नाइस। रिवर एक्सेस इतना जल्दी नहीं है कि बहुत हम लोग हाइट पे है। सो
नागर में भी बहुत सारे आपको रहने का ऑप्शंस मिल जाएगा, यहाँ से भी लोग वर्क फ्रॉम होम करते हैं। अगर आप मनाली में नहीं रहना पसंद करते हो तो इस तरफ रह सकते हो, नागर साइड। पहुंच गए हम लोग नागर का मेन मार्केट एरिया। क्या है ये सब? ये सब बी फार्मिंग है, यहाँ पर कई जगह मैंने से देखा और साथ में बेचते भी है फ्रेश हनी। ये देखिए आगे सब हनी बी का फार्मिंग। ये देखिए सब ये ट्राउट फिश का फार्मिंग है और ये बड़े वाले हैं। फिश आ चुका है, इसकी खाल उतार देते हैं। तो ये खाल अच्छा नहीं होता खाना, तो ये मजा भी अच्छा इसमें। कल जैसा है? हाँ चटनी के साथ ज्यादा मजा आएगा। अच्छा है, पूरा निकला है? पूरा निकला है। हाँ चिड़िया भी है, बजीज। हाँ कॉकटेल, ये वाला कॉकटेल अच्छा होता है। तो बढ़िया खाने के बाद अभी हम लोग जा रहे हैं मनाली की तरफ। और पिक्सी इज अ गुड गर्ल। सो टाइम हो रहा है 5:30 और पहुंच जाएंगे अभी आधे घंटे में और फिर रेस्ट लेंगे। तो मतलब हम लोग जिस दिन जब छोड़ के गए मनाली, ये सब ग्रीन था, ऊपर जरा जरा सा वो था स्नो। हम लोग जिस दिन मध्य में थे पिन वैली नेशनल पार्क में, उस दिन स्नोफॉल हुई थी। उसी दिन मेरा फ्रेंड भी इस साइड आया था, कह रहा था कि कोकसार और आरजे के स्नोफॉल हो रही है। तो देखो वही फ्रेश स्नो है। तो अभी मतलब वापस आए तो अभी देखिए पूरा स्नो हो गया है। वाह, सो फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं मनाली। हम लोग होमस्टे की तरफ अभी जा रहे हैं। ये वाला ब्रिज आपको याद होगा। सो पहुंच गए हैं हम लोग मनाली में एप्पल फार्म होमस्टे। यहाँ पे हम लोग पहले भी रुके हुए हैं। अब स्पीति टूर करने के बाद फिर से यहाँ पे 2 वीक्स के लिए बुकिंग किए हैं। यहाँ से वर्क फ्रॉम
माउंटेन्स करेंगे। तो ये देखिए, ये फर्स्ट फ्लोर में रूम है, काफी बड़ा सा रूम है, मैं आपको दिखाती हूँ। ये है हम लोग का रूम, ये फर्स्ट फ्लोर में है एप्पल फार्म होमस्टे में, और एक ह्यूज रूम है, ये बहुत ही ह्यूज रूम है। हम लोग नीचे जो ग्राउंड फ्लोर में लास्ट टाइम रुके थे एक हफ्ते पहले, वो छोटा सा था। और ये देखिए, ये रूम ओपन होता है एक बड़े से बालकनी में। नाउ पिक्सी इज गोइंग टू एंजॉय। सो ये देखिए, यहां से बालकनी से व्यू। सो यहाँ पे ये देखिए, बड़ा सा बेड है, और फिर यहाँ पे एक वार्डरोब के लिए अलग सा स्पेस बना हुआ है, और ये है बाथरूम, ह्यूज बाथरूम, और हर जगह से आपको व्यू दिखता है, बढ़िया सा व्यू, और ये बालकनी इज द बेस्ट पार्ट। तो चलिए, अभी नेक्स्ट 2 वीक्स हम लोग मनाली में हैं, मनाली में ही वर्क फ्रॉम माउंटेन्स करेंगे, और यहाँ पे रिलैक्स होंगे बहुत, मतलब घूमना फिरना हो गया, अब रिलैक्स करेंगे, थोड़ी अंगड़ाइयां लेंगे, थक गए हैं। तो मौसम अच्छा है, मतलब दोपहर के टाइम में थोड़ी सी गर्मी होती है, बट एसी नहीं चाहिए आपको रूम में, ना ही फैन चाहिए, फैन तो है ही नहीं फैन यहाँ पर। तो और रात के समय अभी जैसे कि शाम हो रही है तो ठंड है काफी, लाइक 18 डिग्री सेल्सियस अभी होगा, और जैसे जैसे रात होगी वैसे वैसे टेम्परेचर कम होते जाएगा। सो आई होप आपको आज का वीडियो अच्छा लगा, फ्रॉम गदग हुसैनी टू मनाली वाया दिस नागरवाला रोड, एंड बहुत ही ऑसम व्यूज था, और जो ट्राउट फिश खाया वो भी बहुत ही टेस्टी था। अगर आप आइएगा मनाली में तो वहाँ ही जाइएगा, एक अलग ही एक्सपीरियंस है, खुद से कैच करके, आपको आंखों के सामने से कैच करके उसको फ्रेश आपको बना के देते हैं, तो बहुत बढ़िया है, और प्राइस भी रिजनेबल था, 300 रुपीज पर 300 रुपीज फ्राई फिश और 350 रुपीज का बड़ा वाला फिश। तो चलिए, आज का दिन तो हमारा बढ़िया रहा, अभी थोड़ा सा रेस्ट लेंगे, वीडियो एडिटिंग वगैरह करेंगे, और कल से फुल फ्लेज्ड बैक टू रूटीन। नो मोर यूट्यूब, नो मोर एनीथिंग, वो हम लोगों ने जितना भी रास्ते भर में था सारी एडिटिंग खत्म कर ली इसी टाइम पे, पर अपलोड नहीं कर पाए थे, तो अब बस अपलोड के लिए लगा दिया, स्केड्यूल कर दिया, हर दूसरे तीसरे दिन में आपको मिल जाएगा वीडियो। तो चलिए, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, एक नेक्स्ट जर्नी में, तब तक के लिए स्टे सेफ एंड बाय बाय।